वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मेरे लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि आपको वोकेबलरी कैसे याद करनी है, हाउ टू लर्न वोकेबलरी। वोकेबलरी लर्न करने का सबसे अच्छा मेथड है कि आपको एक दिन में ज़्यादा वर्ड्स नहीं याद करने हैं, आपको एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ड्स याद करने हैं। उन्हीं वर्ड्स को आपके उस वर्ड्स के आगे उनका मीनिंग लिखना है, उसको रिवाइज़ करना है, बार बार उसी को प्रैक्टिस करनी है। एक बार रिवाइज़ करना है, दो बार याद रिवाइज़ करना है, तीन बार रिवाइज़ करना है। और अगर जैसे अब आपने आधे घंटे उसको रिवाइज़ कर लिया, अब आप उसको छोड़ दीजिए, आप अपना काम करिए, जो भी पर्सनल काम है उनको निपटाइए, उसके बाद फिर जैसे भी आपको मौका मिले आप फिर से उनको रिवाइज़ करनी है। एक दिन में 3-4 बार रिवाइज़ करना है। और अगर आप चाहते हो कि वो वर्ड्स बिल्कुल पक्के हो जाए, तो उसका ये मेथड है कि एक नोटबुक लीजिए, उन वर्ड्स को याद करने की कोशिश करिए जिसका आज आपने रिवीजन कराया या जिसकी प्रैक्टिस करी है, उनको लिखने की कोशिश करिए। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि उसकी स्पेलिंग गलत ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बैंक एग्ज़ाम में देखते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक्स भी वो पूछते हैं कि कहाँ पर स्पेलिंग गलत है। उस अगर आप वर्ड्स याद करोगे, स्पेलिंग के साथ याद करोगे, तो वो आगे आने वाले आपके एग्ज़ाम्स में भी बहुत हेल्पफुल होगा। आपको मीनिंग भी, वर्ड मीनिंग भी याद हो जाएंगे, आपकी स्पेलिंग भी ठीक होने लगी है। स्पेलिंग के सही करके ही लिखिए वो कैब, और वर्ड्स को बार बार बोल बोल के याद करिए जिससे आपको याद हो। राइट करें, लिखने की कोशिश करिए, हर वर्ड को लिखिए। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो भी वर्ड्स आप पढ़ोगे उसको नेक्स्ट डे आपको रिवाइज़ करना है। जब आप नए वर्ड्स पढ़ोगे 10 नए वर्ड्स पढ़ोगे, तो आपको जो लास्ट डे में आपने वर्ड्स पढ़े थे उनको भी रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। जितना भी प्रैक्टिस कर सको करो, कोशिश करो। कहीं आप बैठे हो, कहीं ऐसे नॉर्मल बैठे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, तो भी उन वर्ड्स को याद करने की कोशिश करो, बोल बोल के याद करने की कोशिश करो, और डेफिनेटली आपको सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे और बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि ये मैंने पर्सनली करा है और मैंने भी बहुत वर्ड्स में पढ़ता था, बार बार रिवाइज करता था, और उससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी ध्यान रखिएगा कि स्पेलिंग भी याद करनी है आपको। एक एक वर्ड्स की स्पेलिंग याद करनी है, उसके मीनिंग्स याद करने हैं, और नेक्स्ट डे उन वर्ड्स को भी रिवाइज करना है जो आपने वर्ड्स से लास्ट डे याद करे थे। और आगे आने वाले लेसन में मैं आपको वोकेबलरीज के बारे में बताऊँगा। और जो मेरा लास्ट वाला लेसन था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा और बताइएगा कि आपको लेसन कैसा लगा। अगर आप इससे सहमत हुए तो प्लीज़ अपना कमेंट दीजिएगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।